ठीक है। इसके बाद हम बात करें हाड़ौती पठार की, तो हाड़ौती पठार के अंतर्गत आपको पता होगा चार जिले आते हैं, कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अभी मैंने शाहबाद उच्च भूमि की बात की थी, तो बारा का जो पूर्वी क्षेत्र है, बिल्कुल पूर्वी, वो है शाहबाद उच्च भूमि। इसी तरीके से यहाँ जो अभी वर्गीकरण मैंने बताया, उसके अंतर्गत भी डायरेक्ट जो दिया गया है, जैसे डंग अंगदर प्रदेश कहाँ है, ठीक है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये चारों भौतिक प्रदेश, थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार, अब इनकी एक एक ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद में हम पढ़ेंगे इसका विस्तार, विस्तार के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति इसकी 33 सागर से, मूल रूप से किससे है? 33 सागर से। विस्तार की बात करें तो विस्तार किसका है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार माना जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें कि 33 सागर से इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो कालखंड की जब हम बात करते हैं कि किस काल में, तो यहां हम पढ़ते हैं प्लीस्टोसिन काल में, ठीक है। अब बात करें हम इसके विस्तार की ही, कि किन किन देशों में इसका विस्तार है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इसका विस्तार है। बात करें हम भारत की, तो भारत में इसको कहते हैं थार का मरुस्थल, ठीक है। वहीं हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इसको कहते हैं चोलिस्तान, चोलिस्तान या चूलिस्तान, ठीक। बात करें कितना क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो भारत के अंतर्गत तकरीबन 85% क्षेत्र आता है और पाकिस्तान के अंतर्गत ये 15% क्षेत्र आता है। कुल क्षेत्र की बात करें हम कि मरुस्थल का कुल क्षेत्र कितना है, तो 2,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, ठीक है। जिसमें से भारत की बात करें, भारत में 2,09,042 वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत आता है। बात करें हम भारत में कितने राज्यों में है, तो भारत में ये 4 राज्यों में, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य में थार के मरुस्थल का विस्तार है। एक बार फिर देख लो, थार के मरुस्थल की अगर उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो मौलिक जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से मानी जाती है। 33 सागर से कब हुई इसकी उत्पत्ति, तो किस काल में? प्लीस्टोसिन काल में। वहीं हम बात करें कि इसका विस्तार किसको माना जाता है, तो जो सहारा का मरुस्थल है, वहां जो पश्चिमी शुष्क पवने चलती हैं सहारा के मरुस्थल से भारत की ओर,
उनके द्वारा इसका विस्तार किया गया है, तो उसके विस्तार के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल के रूप में। बात करें हम कि इनका इसका विस्तार किस किस देश में है, तो भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। भारत में इसको थार का मरुस्थल कहते हैं और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या चूलिस्तान कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र की बात करें, यानी मान लीजिए 100% है, तो 100% का 85% भारत में है और 15% कहाँ है, पाकिस्तान में। वहीं हम बात करें कि जो 85% क्षेत्र है, वो कुल संपूर्ण क्षेत्र 100% की बात करें तो 230,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं हम बात करें कि भारत भारत में कुल कितना है, यानी 85% क्षेत्र कितना है, तो 209,042 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भारत के राज्यों की बात करें कि कितने राज्यों में है, तो कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राजस्थान में 61.11% सर्वाधिक क्षेत्र रखता है। वहीं हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंतर्गत हो गए 85। नहीं हुआ क्या? पॉइंट तो हम याद रखते पंजाब में तकरीबन 6% के लगभग है, हरियाणा में 8% और गुजरात में 13% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कितने हुए? इतना याद कर लोगे वो बहुत रहेगा। अब इसको उतार लो आप, या बोल के लिखूं? उतार लिया, वेरी गुड। मिटा दो फिर, बड़े आगे। एक लाख 75,000 वर्ग किलोमीटर। अभी बताऊंगा, अभी राजस्थान 61.11% चले। क्या हुआ? राजस्थान में बात करें, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिमी भाग के अंतर्गत अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार 12 जिलों में है। 12 जिलों में कौन कौन से जिले हैं, तो उन जिलों में पश्चिमी राजस्थान के 1 सिरोही जिले को छोड़कर शेष जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। पश्चिमी राजस्थान के सिरोही जिले को छोड़कर शेष जिले सभी इसमें सम्मिलित हैं। बात करें हम कुल क्षेत्र की, कि कुल कितना क्षेत्र इसके अंतर्गत है,
तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं हम बात करें प्रतिशत की, तो 61.11% क्षेत्र रखता है ये। किसका? हाँ, संपूर्ण की बात क्या? हाँ, कितना बताया? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 61.11% क्षेत्र है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप क्या समझ रहे हो? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। कितने हो गए? 8, 6, 14 और 13, 17 बच गए। कितने? सत्ताईस हो गए ना, 85 में 27 घटाओ, कितने बच गए? 85 में से 27, अठावन लिखो उसको। हाँ, 58%, भारत के संदर्भ में 58%। अब तो कोई क्लियर, वो कंफ्यूजन नहीं है? भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो 58%, और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो हम 61.11%। ठीक है, अब बात करें हम इसकी विशेषताओं की। ठीक है, तो विशेषताओं में अगर बात करें तो सबसे पहली, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल। यानी सर्वाधिक जनसंख्या, और दूसरी चीज सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता। इसी जैव विविधता के कारण पहले इसे मरुप्रदेश की संज्ञा दी गई है, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने सर्वाधिक जैव विविधता के कारण इसको रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी है। मरु प्रदेश को या थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में ये कौन राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश? जनसंख्या तो 40% रहती है, लेकिन जनघनत्व तो इसका सबसे कम है। वहीं बात करें भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, ऋतु परिवर्तन का कार्य करता है।
ये सारी चीजें आपको बताएंगे। दूसरी चीज, भारतीय मानसून के लिए आकर्षण कार्य करता है। भारतीय मानसून के लिए आकर्षण का कार्य करता है। देखिए, कुल क्षेत्रफल पूछे तो 2,30,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 85% भारत में और 15% पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या चुलिस्तान कहते हैं और भारत में इसको थार का मरुस्थल या मरु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बात करें हम कि राजस्थान के किस भाग में ये स्थित है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और पूरा रेतीला मैदान है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भूभाग रखता है। बात करें हम विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में सबसे अधिक घना बसा मरुस्थल है, यानी विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें जनसंख्या निवास बहुत कम मात्रा में करती है। अगर सबसे अधिक निवास करती है तो थार के मरुस्थल में। उसी के साथ साथ यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है और उसी जैव विविधता के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसको मरु प्रदेश की संज्ञा न देकर रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी है। ठीक है, वहीं हम बात करें कि राजस्थान में, तो राजस्थान में ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, यानी इस पे जनसंख्या तो राजस्थान की तकरीबन 40% निवास करती है। ठीक है, लेकिन अगर घनत्व की दृष्टि से देखें तो वो कम है। बात करें भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें ये मुख्य रूप से रोल अदा करता है। कैसे करता है? क्योंकि थार के मरुस्थल में, जैसे हम बात करें ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? रेत। और वनस्पति क्या है? न्यून है, बिल्कुल कम है। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं इस पर तो ये रेत बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाती है और गर्म होके यहां से पवने ऊपर उठती है और यहां निम्न दाब केंद्र बन जाता है। क्या निर्मित होता है? निम्न दाब केंद्र। और जब ये निम्न दाब केंद्र बनता है, तो निम्न दाब केंद्र बनने के कारण उच्च वायु दाब से पवने इसकी तरफ गति करती है। ठीक है, जहां जहां उच्च वायु दाब क्षेत्र होगा यानी ठंडा क्षेत्र होगा, उससे उस गर्म क्षेत्र की ओर पवने गति करेंगे। इसीलिए जब गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं, तो ग्रीष्म जब मानसून आता है तो उस समय ये क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ की पवने ऊपर उठने लगती हैं और ये क्षेत्र खाली हो जाता है और खाली होने के कारण ये ठंडी जो पवने आती हैं पश्चिम की ओर से, उन पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उसके कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है और जलवायु में भी परिवर्तन होता है, यानी मानसून के लिए आकर्षण का कार्य भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन और लिखिए। यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। हाँ, वृष्टि छाया प्रदेश है। ये आपके मान लीजिए अरावली क्षेत्र है। ठीक है,
अरावली से जब मानसूनी पवने आती हैं, यानी जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की पवने इस अरावली से टकराती है, और टकराने के कारण केवल और केवल पूरी भाग में वो वर्षा करती है। अगर ये अवरोधक का कार्य नहीं करता तो इधर भी वर्षा होती, लेकिन यहाँ पश्चिमी राजस्थान में यानी थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, इसलिए ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। किस मानसूनी शाखा के लिए? बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा के लिए। तो यह यूं भी कह सकते हैं कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। और कौन सी शाखा के लिए? तो बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए। ठीक है, यहां तक सारे चीज क्लियर है। यहाँ की वनस्पति की बात करें हम, थार के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है तो वो कांटेदार होती है। कांटेदार लंबी जड़ों वाली, कांटेदार होंगी, लंबी जड़ों वाली होंगी और नुकीले पत्तों वाली होंगी। और इस तरह की अगर वनस्पति कहीं पाई जाती है तो उस वनस्पति को कहते हैं मरुद्भिद, या इसी को कहेंगे हम जीरो फाइट्स। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसको कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति। इसके अंतर्गत हम बात करें तो प्रमुख घास हैं। घासों में बात करें तो सेवण है, धामण है, करड़ है, अंजन है। धामण, करड़, अंजन, मुरात, ये घास मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहां से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है कि सेवण, धामण, करड़, अंजन ये क्या है? क्या है? घास। अगर हम बात करें सेवण की तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। अगर वैसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है तो कौन सी होगी? राजस्थान की सबसे लंबी घास विश्व की सबसे लंबी घास वो है आपकी बांस। बांस को वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। और राजस्थान में बांस दक्षिणी प्रदेश में पाया जाता है। तो राजस्थान की सबसे लंबी पूछे तो बांस, और पश्चिमी राजस्थान की पूछे तो आपकी सेवण। ठीक है, 1 से 1.5 मीटर लंबी घास होती है। हाँ, सेवण की ही बात करें हम, सेवण की अगर बात करें तो सेवण को गोडावन की शरण स्थली या प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है सेवण घास? जैसलमेर जिले में लाठी सिरिन क्षेत्र के आसपास इसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें इसकी वैज्ञानिक नाम की या वानस्पतिक नाम की, बताएगा कोई? किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। सेवण का वानस्पतिक नाम लिसिकुस सिंडिकुस। लिसिकुस सिंडिकुस, ये
ये सेवन घास का वानस्पतिक नाम है, अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट हम बात करें धामण की, धामण को जयंती वेद भी कहते हैं। धामण को क्या कहा जाता है? जयंती वेद। इसकी अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसको कहा जाता है ट्राइडेकस प्रोकेम्बस। ट्राइडेकस प्रोकेम्बस ये क्या काम आती है? तो आदिवासी लोगों द्वारा अपने घाव भरने के लिए प्रयुक्त की जाती है। लिख लेना इसका प्रयोग। आदिवासी लोगों द्वारा अपने घाव भरने के लिए प्रयोग की जाती है। अपने क्षेत्र में इसको गुदड़ी भी बोलते हैं, सदाहरी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा एक हरी हरी घास होती है जिसका रस आप कहीं चोट लग जाती है तो उस पर निचोड़ते हैं, वही घास है ये। ठीक है। करड़ अंजन मुराद की बात करें तो ये बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है, बाड़मेर के आसपास क्षेत्र में। वृक्षों की बात करें तो यहां वृक्ष किस प्रकार के होंगे? जिनकी जड़ें लंबी होगी, पत्ती नुकीली होंगी और कांटेदार होंगी। इस तरह के वृक्षों में हम किस किस को रख सकते हैं? जैसे बबूल, ठीक है, खैर, केर, खेजड़ी, इस तरीके के वृक्ष इस क्षेत्र में मिलेंगे। इसके अलावा जैसे नागफनी, बाड़मेर के आसपास क्षेत्र में। हाँ, राजस्थान के थार के मरुस्थल में जो रेतीला प्रदेश है उसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो कांटेदार होती है, लंबी जड़ों वाली होती है, नुकीले पत्तों वाली होती है, और इस तरह का जो स्वरूप रखती है उस वनस्पति को कहते हैं मरुद्भिद, या अंग्रेजी में कहते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है। वहीं हम बात करें कि कौन कौन सी इस तरह की वनस्पति है, तो वृक्षों में अगर हम देखें तो बबूल, खैर, कैर, खेजड़ी, नागफनी ये पाए जाते हैं। वहीं हम घास की बात करें तो सेवण, धामण, करड़, अंजन और मुरात घास पाई जाती है। सेवण की बात करें तो सेवण पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। वहीं हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सबसे लंबी घास कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे लंबी घास है बांस, जो कि विश्व की सबसे लंबी बांस। अभी पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट, उसके तहत बांस को वृक्षों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। और इसको घास की श्रेणी में रख दिया गया है। इसके बाद हम बात करें सेवन की, तो सेवन गोडावण की प्रजनन स्थली मानी जाती है, और मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाठी सिरिंज क्षेत्र में। ठीक है। वहीं हम बात करें इसको गोडावण की जन्म स्थली या शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसको कहा जाता है लिसिकुस सिंडिकुस। वहीं हम नेक्स्ट घास की बात करें धामण की, तो धामण को जयंती वेद भी कहते हैं। ये क्या काम आती है? आदिवासी लोग जो यहाँ निवास करते हैं वो अपने घावों को भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अधीनस्थ बोर्ड के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में लोग अपने घावों को भरने के लिए किस घास का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होगा? धामण। ठीक है। आपके यहां भी होती है, मोस्टली उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। बात करें हम
इसके वानस्पति के नाम की, तो इसका वानस्पतिक नाम है ट्राइडेकस प्रोकैम्बस। ये वानस्पतिक नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में किससे पढ़े थे या नोट्स पढ़े थे किसी के? अच्छा, यहां तक क्लियर है? ये आपका थार का मरुस्थल। अब देखिए, यहां से जो एक समवर्षा रेखा गुजरती है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, बिल्कुल पश्चिमी बिंदु से, या यूं कहें कि जैसलमेर जिले से, जो कि भारत और पाकिस्तान की भी सीमा बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राजस्थान और पाकिस्तान की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो कि मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक हो गया आपका शुष्क और एक हो गया आपका आर्द्र शुष्क, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो ये पूरा क्षेत्र क्या है? अरावली। और अरावली के समानांतर एक समवर्षा रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर गुजरती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, या फिर कहें कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। चार पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम बात करें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की, तो ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क क्षेत्र को। नेक्स्ट हम बात करें कि 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर अरावली के समानांतर गुजरती है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, सेकेंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि अरावली के पश्चिमी भाग से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, यानी अरावली का पश्चिमी बिंदु का निर्धारण करने वाली या पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? पश्चिमी, ये तो पूर्वी हो गया, ये तो पूर्वी है, पश्चिमी की बात करें तो इस संपूर्ण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो अरावली के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, और लोगों ने वहां 50 50 50 सब टिक किया। हाँ, अब ये भी ध्यान रखना कि मरुस्थल के पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी कौन सी कर रही है? 40। तो यहां इन समवर्षा रेखाओं को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उतार लो इसको, वैसे लिख लो, लिख लो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके आगे एरो लगा के लिखिए, यह समवर्षा रेखा भारत पाकिस्तान, भारत
पाकिस्तान कोमा राजस्थान पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर, तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर गुजरती है या निर्धारण करती है। ठीक है, चारों पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट लिखिए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा सीमा नहीं होती, समवर्षा रेखा होती है। समवर्षा मतलब समान, सम का मतलब होता है समान, समान वर्षा रेखा। ठीक है, इसमें लिखिए इसके आगे, यह थार के मरुस्थल को, यह थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। शुष्क प्रदेश की पूर्वी, शुष्क प्रदेश की पूर्वी तथा अर्ध शुष्क प्रदेश की, तथा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट लिखिए 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सामान्यतः 20 से 40 सेंटीमीटर सामान्यतः 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे लिखिए 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा, अरावली की पश्चिमी सीमा तथा थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा व अर्ध शुष्क प्रदेश की, व अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा,
यहां तक कोई दिक्कत? और विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें थार के मरुस्थल के विभाजन की, तो हमने बात की थी कि थार के मरुस्थल को दो भागों बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क को भी हमने दो भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बालू का स्तूप होते क्या है। ठीक है, रेत के द्वारा, वो वायु अपरदन के द्वारा, वायु की तीव्र गति के द्वारा रेत का अपरदन किया जाता है, मृदा का अपरदन किया जाता है, जिससे टीले नुमा संरचना निर्मित हो जाती है, और उन्हीं टीले नुमा संरचनाओं को कहते हैं बालू का स्तूप, या फिर सीधी सी भाषा में कह सकते हो बालू के टीले या रेत के टीले, वो क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप युक्त, यानी जहां जहां बालू का स्तूप क्षेत्र है वो, और उसके अलावा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो सबसे पहले हम मुक्त क्षेत्र की बात करते हैं। मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत हम शुष्क प्रदेश में, इधर पोकरण है, ठीक है, इधर जोधपुर में फलोदी है, और इधर बाड़मेर में बालोतरा है। अगर इन तीनों क्षेत्रों की बात करें, तो इसमें जो त्रिभुजनुमा संरचना बन रही है, ये पूरा क्षेत्र कैसा है? बालू का मुक्त क्षेत्र। और यहां पर क्या पाई जाती है? चट्टान। ठीक है, ये क्षेत्र जो है चट्टानी क्षेत्र है, इसीलिए इस चट्टानी स्वरूप को मरुस्थल का एक प्रकार कहा जाता है, हम्मादा। यानी वो जो पूरा क्षेत्र है चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र, इसको कहा जाता है हम्मादा। और ये हम्मादा नामकरण सहारा के, वो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है उसके आधार पर दिया गया है। तो जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, वो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले के अंतर्गत एक त्रिभुजनुमा क्षेत्र है और चट्टानी क्षेत्र है। अब यहां सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं क्यों है? क्योंकि एक तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, वैसे ही गर्मी हो गई, दूसरा ये चट्टानी क्षेत्र है, तो इसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता रहता है, निकलती रहती है, तो यहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सीज क्षेत्र घोषित किया गया है। सीज का मतलब होता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। ठीक है, बात करें हम इसकी सौर ऊर्जा की संभावना, अगर किसी जिले विशेष की बात करें कि सर्वाधिक किस जिले में सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, तो आपको जोधपुर करना है। ठीक है, और कहे कि सीज क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, तो पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। तीसरी बात कहे कि बालू का मुक्त क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, तो पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। ठीक है, हम्मादा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है, तो ये भी यही क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। जो शेष क्षेत्र बच गया, जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो बच गया, वो किसके अंतर्गत होगा? बालू का स्तूप युक्त। इसके अलावा भी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं इसी मरुस्थलीय क्षेत्र, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सारा किसके अंतर्गत आएगा? मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत। और जो बालू का स्तूप युक्त यानी टीले बने हुए हैं, वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? बालू का स्तूप युक्त के अंतर्गत। तो अगर युक्त क्षेत्र की बात करें, तो तकरीबन 58.9%, वो सॉरी 5% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, बालू का स्तूप युक्त के अंतर्गत। अगर मुक्त क्षेत्र की बात करें, तो तकरीबन 41.5% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मैं लिखवा दूंगा अभी, समझ लो पहले इसको। ठीक है, ये सारी चीजें अभी लिखवा दूंगा मैं। इसके बाद हम बात करें कि अर्ध शुष्क प्रदेश की,
तो अर्ध शुष्क प्रदेश को भी हमने बांटा था, यहां घग्गर प्रवाह की बात की थी या घग्गर का, जहां से घग्गर नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र। उसके बाद हमने बात की थी नागौरी उच्च भूमि की, तो नागौर के आसपास जो क्षेत्र है जैसे हम बात करें मानचित्र पे मत जाना, बस भावनाओं को समझना, ठीक है। अगर इस नागौर क्षेत्र की बात करें तो नागौर का ये जो क्षेत्र है इसको हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये है आपकी मांगलोद श्रेणी, ये है आपकी जायल श्रेणी और ये है आपकी मकराना श्रेणी, ठीक है। नागौर क्षेत्र को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक बीकानेर के साथ लगने वाला और इधर एक चूरू सीकर के साथ और ये दक्षिणवर्ती जो कि अजमेर और पाली के साथ। अब देखिए गोट मांगलोद की अगर बात करें तो ये जिप्सम क्षेत्र, ठीक है। मकराना की अगर बात करें संगमरमर क्षेत्र है और जायल श्रेणी की बात करें तो फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। इस तरीके से हम इसका भी विभाजन कर सकते हैं। नागौर उच्च भूमि की और बात करें हम तो नागौर जो उच्च भूमि है ये मान लीजिए अरावली है यहाँ, तो अरावली के साथ साथ यहाँ जो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है जो पठारी क्षेत्र है उसमें कई जगह से ये खंडित है और खंडित होने के कारण इधर की जो पवन है वो अरावली के इस तरफ चली जाती है, यानी रेत उड़ा के ले जाती है और उधर की जो पवन है इधर आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ जो स्थलाकृति बनती है उनको कहा जाता है वात विदर। तो नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत वात विदर का भी निर्माण होता है, ठीक है। वही हम बात करें इस नागौरी उच्च भूमि में एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है जिसको कहते हैं हम हरियल कबूतर या हरे कबूतर। राजस्थान में दो ही जगह मुख्यतः पाए जाते हैं, बता सकते हो दूसरी जगह कौन सी है? हाँ, अलवर के सरिस्का में और नागौरी उच्च भूमि में ये पक्षी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नहीं देखे लेकिन देखने को मिलते हैं, आप बाहर नहीं निकलते होगे और आपके घर आएंगे नहीं। नागौरी उच्च भूमि में हरे कबूतर देखने को मिलते हैं, यहाँ वात विदर क्षेत्र पाए जाते हैं। तीसरी चीज हम बात करें तो मांगलोद जिप्सम श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है, मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और जायल श्रेणी की बात करें तो फ्लोराइड के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रॉपर फ्लोराइड की ही तो फ्लोराइड के लिए ही सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है वो कौन सा है? नागौर। और नागौर के अगर किसी गांव विशेष की बात करें कि गांव कौन सा है तो नागौर का आसरवा गांव है, आपका तो नहीं है ना? राज नागौर जिले का आसरवा गांव है वो सर्वाधिक प्रभावित है, फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव। और जिला पूछे तो नागौर के संदर्भ में एक बात और हुई थी, जब हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला था वो कौन सा था और उसका गांव कौन सा था? हाँ लोपोलाई, हाँ लापोलाई कह दो, लोपोलाई कह दो, समझ जाओ ना आप, हाँ लापोलाई, ठीक है, पास में ही है और वो पिछली क्लास में जो था बच्चा वो वहीं का था, ठीक है। लापोलाई वो है भौगोलिक सर्वेक्षण के आधार पर, ध्यान रखना, और जीपीएस सिस्टम बन यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपका मकराना गांव। इसके बाद हम बात करें नागौरी
नागौरी उच्च भूमि के बाद में हम बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है। शेखावाटी क्षेत्र, और शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन